Assalamualaikum, मैं हुरम एंड वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने बजट में रहते हुए एक बहुत ही यूज़फुल सी नाइट क्रीम घर में तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में जो नाइट क्रीम्स मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं कि हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज मैं जो आपको नाइट क्रीम बताऊंगी उससे ना सिर्फ ये कि आपकी स्किन बहुत ही अच्छी होगी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और हर कोई उसे अफोर्ड कर सकता है। जो भी चीज़ें होंगी वो या तो आपके घर से मिल जाएंगी या फिर अगर आप बाज़ार से भी ख़रीदते हैं तो बहुत 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 सस्ते दामों में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें आ जाता है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप चाहें तो स्टोर बॉट यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप घर की बनी हुई एलोवेरा जेल यूज़ करते हैं तब तो बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप स्टोर बॉट यूज़ करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उसके ऊपर 99% एलोवेरा ज़रूर लिखा हो। तो आप लेंगे एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून, एडिबल ग्लिसरीन जिसको वेजिटेबल ग्लिसरीन भी कहते हैं 5 कतरे, मीठा बादाम का तेल 5 कतरे, विटामिन ई कैप्सूल 1 अदद। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, और आपने इनको तब तक मिक्स करते रहना है जब तक कि वाइट क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी आपको नहीं मिल जाती। अगर हम इनके फ़ायदों की बात करें तो इस क्रीम में हमने यूज़ किया है एलोवेरा, और एलोवेरा आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, आपकी स्किन को सॉफ्ट रखता है, और अगर आपको सन टैनिंग का प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दूर करता है। सर्दियों के लिए ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये आपकी जिल्द को मॉइस्चराइज रखता है। इसमें विटामिन सी होता है जिससे आपकी स्किन लाइटन होती है, और विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन से एजिंग और फाइन लाइंस को कम करता है। ग्लिसरीन की अगर हम बात करें तो सर्दियों के लिए बेस्ट मॉइस्चराइज़र है, और इसकी ऑयल फ्री प्रॉपर्टीज़ की वजह से जब आप इसको अपनी स्किन पर लगाते हैं तो पोर्स बंद होने का इशू नहीं होता, और क्योंकि पोर्स बंद होने का इशू नहीं होता तो इसका मतलब है कि आपको एक्ने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर हम स्वीट आलमंड ऑयल की बात करें तो इसमें विटामिन ई, विटामिन के और रेटिनॉल होता है जो आपकी स्किन को यंग और स्मूथ रखता है। वो लोग जिनको हाइपर पिगमेंटेशन का मसला है तो आपकी स्किन से हाइपर पिगमेंटेशन को ये ख़त्म करता है, और वो लोग जिनको अनइवन स्किन टोन का मसला है तो ये आपका ये वाला मसला भी ख़त्म करता है। अगर हम विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये आपकी स्किन से फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, रिंकल्स को हटाता है। इसी तरह से ये आपकी स्किन पर जो एक्ने स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उनको ख़त्म करता है और आपकी स्किन को यूथफुल और ग्लोइंग दिखाता है। तो अगर हम इस क्रीम की बात करें तो क्रीम आपकी हो जाएगी जी इस तरह की कंसिस्टेंसी में, जिसको आपने किसी भी एयर टाइट जार में डाल के फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखेंगे वरना ये ख़राब हो जाएगी। और उसके बाद आपने इसको बस थोड़ा सा इस तरह से एक ड्रॉप के बराबर, ये पता नहीं आपको नज़र आ रहा है या नहीं, लेनी है, हाथों में इस तरह से रब करना है, और उसके बाद आपने अपने फेस पर डैबिंग मोशन में 1 मिनट तक लगाना है। इसे ज़्यादा इसको आप नहीं बनाएंगे वरना चीज़ें अपनी प्रॉपर्टीज़ खो देंगी। इतनी सी क्रीम आपकी आराम से 1 से 2 हफ्ते चल जाएगी, डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं। सिर्फ रात को लगाना है, पहले आप क्लिंजिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, और उसके बाद आप इस क्रीम को लगाएंगे और आपको किसी और मॉइस्चराइज़र या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, और बस सो जाएं। और अगर आप विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं तो पहले आप क्लीनिंग करेंगे, टोनिंग करेंगे, विटामिन सी सीरम लगाएंगे और फिर इस क्रीम को लगाएंगे। किसी भी एज का इसे लगा सकते हैं, टीन से लेके 50-60 तक के मेल्स और फीमेल्स सब लगा सकते हैं। इवन के अगर आप चाहें तो आप इसको 9 से 10 साल के बच्चों पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं 2-3-4 साल की एज के, फिर आप उनको ये नहीं लगाएं। तो रात को बस आपने लगाना है और उसके बाद सो जाना है, दैट इज़ इट। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। आपके आसपास जितने भी लोग हैं आप उनके साथ इस क्रीम की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।